प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि सरकार सशस्त्र बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में आयोजित नौसेना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने कहा, भारत समुद्र की क्षमता का उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय नौसेना में रैंक का नाम भारतीय संस्कृति के अनुसार बदला जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, हम सशस्त्र बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। आज भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित कर रहा है और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बंदरगाह आधारित विकास को अभूतपूर्व सहयोग दे रहा है। मर्चेंट शिपिंग को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के बारे में मोदी ने कहा कि इस स्थान का छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ घनिष्ठ संबंध है। मजबूत नौसेना के निर्माण की दिशा में उनके प्रयास सर्वविदित हैं। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद रहे। नौसेना दिवस कार्यक्रम से पहले मोदी ने जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया। बाद में मोदी ने तारकर्ली समुद्र तट से भारतीय नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष बलों के अभियानगत प्रदर्शन को देखा। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि देश का इतिहास केवल गुलामी, पराजयों, निराशाओं के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें भारत की जीत, साहस, ज्ञान और विज्ञान, कला और रचनात्मक कौशल और समुद्री क्षमताओं के गौरवशाली अध्याय भी शामिल हैं। साथियों, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए आज भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे नेवल ऑफिसर्स जो अपलेट्स पहनते हैं, अब उसमें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की विरासत की झलक भी देखने को मिलने वाली है। नए एपोलेट्स भी अब उनकी नौसेना के प्रतीक चिन्ह की तरह ही होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि नौसेना के ध्वज को मुझे पिछले वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जोड़ने का अवसर मिला था। अब एपोलेट्स में भी छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रतिबिंब हम सबको नजर आएगा। अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ मुझे एक और घोषणा करते हुए आज गौरव हो रहा है। भारतीय नौसेना अब अपने रैंक्स का नामकरण भारतीय परंपराओं के अनुरूप करने जा रही है। हम सशस्त्र बलों में अपनी नारी शक्ति की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। मैं नौसेना को बधाई दूंगा कि आपने नेवल शिप में देश की पहली महिला कमांडिंग अफसर की तैनाती की है। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।